गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिविजिबिलिटी का क्या मीनिंग है? डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आपको कोई नंबर दिया जाए और वो आपका 100% डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर आपको 44 नंबर दिया हुआ है, एक आपको ये नहीं पता है कि ये किससे डिवाइड होगा। अगर मैं ये कहूँ कि इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये हमारा 100% 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा चेक करके देख लेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हमारा डिवाइड हो गया, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है, ठीक है, यानी कि ये हमारा डिवाइड हो रहा है। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है आपको कि बिना डिवाइड किए हुए आपको पता करना है, ये आपको पूरा प्रोसीजर नहीं करना है डिवीज़न का, आपको विदाउट डिवाइडिंग आपको पता करना है कि ये नंबर हमारा डिवाइड होगा या नहीं। मैं पहले सबसे पहले सिर्फ 2 का बताऊँगी, क्योंकि लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों को कि कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो भेजा है जिसमें कि हमें क्या है, अ नंबर विच हैज़ 0, 2, 4, 6 और 8 at its ones place is divisible by 2। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी, आप कुछ भी नंबर ले लो, चाहे वो आपका 1 2 3 हो, अब सिंपल 1 2 3 ले लो, लेकिन लास्ट के प्लेस पे, वंस प्लेस पे अगर हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, यानी कि ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। इधर आपका चाहे कोई भी नंबर हो, वंस प्लेस अगर आपका 2 है तो ये हमारा 2 से डिविजिबल है। ये एग्ज़ाम्पल में, ठीक है। अब अगर हमने ये नंबर, तीनों नंबर सेम रखा, 1 2 3, यहाँ 0 लगा दिया तो भी ये हमारा डिवाइड होगा। 1 2 3 4 है तब भी डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 है तब भी होगा। 1 2 3 8 है तब भी होगा। यानी कि सिर्फ हमारा वंस प्लेस हमें चेक करना है कि हमारा 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यही सारे नंबर में से कोई भी होना चाहिए तो हमारा ये 2 से डिवाइड होगा। चाहे हमारा टेंस, 100, 1000, 1,000,000 प्लेस कुछ भी हो, डजेंट मैटर, सिर्फ हमें वंस प्लेस को चेक करना है। ओके, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि हमारा ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आई बात। और डिवाइड होने का मतलब है कि ये 100% डिवाइड होना है। आपको मैं एक करके दिखा देती हूँ, चेक करके कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो ये नंबर हमने उठाया, 1 2 3 and 8, 2 6 जा 12, 3 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि ये हमारा डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम इसमें से आपको चेंज करके दिखाती हूँ नंबर, 2 0 2 4 6 8 की जगह हम कुछ और लिख के दिखाते हैं, बाकी नंबर हमारा सेम रहेगा। 1 2 3 हमारा नंबर सेम है, सपोज करो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो क्या ये डिवाइड होगा? पहला हमारा 6 से डिवाइड हो, करेंगे इसको, यहाँ से 3 उतार लेंगे, 6 या 12। अब देखो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये हमारा 100% डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा डिविजिबल नहीं है। तो इसको हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपको इसलिए रूल बताया कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, यानी कि वंस प्लेस पर 0 4 2 6 8 हो, अ नंबर विच हैज़ 0 2 4 6 8 एट इट्स वंस प्लेस, इसको ही सिर्फ याद रखना है कि वंस प्लेस पर आपका 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा वंस प्लेस पे तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, समझ में आई बात। अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी समझ में आ जाएगी तो आप धीरे धीरे बाकी के भी समझ जाओगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी का सबसे पहले मीनिंग आपको है कि आपका जो भी नंबर से आप डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ओके, रिमाइंडर आपका 0 होगा तभी वो हमारा नंबर
उस नंबर से डिवाइड होगा। चाहे कोई भी नंबर हम ले लें, अगर हमारा 2 से डिविजिबिलिटी है तो उसका रिमाइंडर हमें 0 होना चाहिए। 3 का है तो 3 के रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, अभी पहले आपको सिर्फ अलग से मैं 2 का समझा रही हूँ, क्योंकि बच्चों आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत हो रही है, इसलिए अलग से मैंने 2 का समझाया है। ठीक है,